Good morning, friends. Many phrases and expressions that we use in English today come from Shakespeare's play. अंग्रेजी बात करते समय हम जो वाक्यांश उक्ति उनका उपयोग करते हैं वो ज़्यादातर शेक्सपियर्स के नाटकों में से आते हैं. उन्हीं से एक मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल यह है. जूलियस सीजर एक रोमन सम्राट था. उसकी हत्या उसके ही सीनेट के सभी मेंबर मिलकर हत्या करते हैं. उसकी हत्या चाकू मारकर करते हैं. ब्रूटस उसके ऊपर आखिरी वार करता है. सीजर का ब्रूटस सबसे प्यारा सबसे करीबी दोस्त था. सीजर ब्रूटस को बहुत चाहता था. इस बात का पता जब एंटोनियस को होता है तो वह वहाँ आता है. एंटोनियस सीजर को बहुत चाहता था. बाद में वह सीजर का शव लेकर जनता के सामने आता है और सीजर के ऊपर पूरे गांव को जनता को दिखाता है. खास कर ब्रूटस द्वारा दिए गए गांव को वो जनता के सामने दिखाता है और तब वो कहता है, दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल. इसका अर्थ होता है यह सबसे ज्यादा दर्दनाक जख्म है. जब दुश्मनों द्वारा दिए गए घाव से दोस्त द्वारा दिए घाव वो अधिक घातक होता है, अधिक दर्दनाक होता है. जब अपना करीबी या दोस्त हमें अपमानित करता है, हमें दर्द पहुंचाता है, हमें चोट पहुंचाता है, हमें धोखा देता है, वो सबसे दर्दनाक होता है. इसका उपयोग हम अंग्रेजी बात करते समय कर सकते हैं. जैसे कि मेरे 10वीं के परीक्षा का एग्ज़ाम घोषित हुआ, उसमें मैं असफल हुआ. सब ने मुझे बहुत चिढ़ाया, मजाक उड़ाया, घर में मुझे बहुत डांटा, लेकिन सबसे मेरी प्यारी बहन उसने मेरा मजाक उड़ाया. ये सबसे बहुत दर्दनाक था. दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, बाय.